नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट 9 में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। इसमें हमारा प्रथम क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, मत्स्य संघ राजस्थान में विलय कब हुआ? तो आपको बताना है मत्स्य संघ राजस्थान में विलय कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 18 अप्रैल 1950, दूसरा ऑप्शन 30 मार्च 1949, हमारा तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 15 मई 1949। आपको बताना है मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ। तो बताओ कौन सा 15 मई 1950। कब हुआ? 15 मई 1950 को। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, ये बताइए आप। एनवी गोडगिल। आपको मैं, और इसका प्रधानमंत्री कौन था मत्स्य संघ का? शोभाराम कुमार। और राज प्रमुख था इसका उद्यपान। कहाँ कहाँ शासक था ये? उद्यपान धौलपुर का शासक था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो आपको ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, के एम मुंशी। अब बताना है संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है? तीसरा चरण। इसका उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विजय कब हुआ? 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 और 30 मार्च 1950। बताइए। एक नवंबर 1956। कब हुआ? 1 नवंबर 1956। इसका सही आंसर कौन से चरण में हुआ? ये सातवें चरण में। और इसके साथ और किस किस का विजय किया गया अजमेर मेरवाड़ा के साथ साथ? अबू देलवाड़ा। अबू किस रियासत का भाग था? ये सिरोही रियासत का विजय कब हुआ राजस्थान? कौन से चरण में? छठे चरण में हुआ, जिसमें इस अबू को छोड़ दिया गया। और अबू देलवाड़ा और इसका अजमेर मेरवाड़ा का विजय हुआ था 1 नवंबर 1956, यानी सातवें चरण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? सात चरणों में। तो बताइए छठे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान, यह नाम संयुक्त राजस्थान, इसको क्रॉस कर लीजिए, या तो इसका नाम होगा राजस्थान संघ और ऐसे भी आ सकता है पूरी राजस्थान, और इंग्लिश में इसको बोलना यूनाइटेड राजस्थान। यूनाइटेड राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? यह दूसरा चरण है 25 मार्च 1948। उस समय इसका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी आ सकता नाम, तो कौन किसको बनाया गया? गोकुलाल असावा। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन है महाराव भीम सिंह, दूसरा ऑप्शन है उद्यपान सिंह, तीसरा है गोपाल सिंह और चौथा है बहादुर सिंह। महाराणा उदयवान सिंह। ये किस रियासत के राजा थे? करौली धौलपुर के राजा थे महाराजा उदय सिंह। तो ये बताइए मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत शामिल हुई? अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। चलिए अगला सवाल है हमारा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये कौन से चरण में मनाने का फैसला किया इसका? चौथे चरण में किस किस रियासत को मिलाया गया? बताइए चौथे चरण में कौन कौन सी रियासत को मिलाया गया? लावा ठिकाना था। जयपुर। चार रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये राजस्थान की चारों बड़ी रियासतें थे, जिसको राजस्थान में इसका 30 मार्च 1949 को राजस्थान में विलय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? बताइए मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके पास भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर। किस रियासत के शासक को? धौलपुर के। कौन थे शासक? कौन थे? उदयवान सिंह। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के निर्माण में संबंध निम्न में से कौन सा कथन ऐसा थी, यानी मत्स्य संघ के निर्माण कौन सा कथन ऐसा थी आपको बताना? ऑप्शन है मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था,
दूसरा ऑप्शन है मत्स्य संघ के नाम के नाम के मुंशी द्वारा दिया गया। तीसरा ऑप्शन है मत्स्य संघ के राजप्रमुख करौली के महाराजा थे। और चौथा ऑप्शन है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री सोपाराम कुमार होते हैं। बताइए। यह सौ ऑप्शन गलत। क्योंकि हमारे मत्स्य संघ के राजमुख थे अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन है मंगल सिंह, दूसरा है शोभाराम, तीसरा है जुगल किशोर चतुर्वेदी और चौथा है चिरंजी लाल शर्मा। शोभाराम कुमावत। अगला क्वेश्चन, चलो यही थे आज अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।